तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैटरी है और यहाँ पर एक हमारा एक इन्वर्टर है। तो हम इसे किस तरीके से चेक करें, जैसे कि हम इसे ख़राब करना चाहते हैं। तो आप देखिएगा, यहाँ पर पहले देखिएगा कि यहाँ पर मैं इनपुट चालू करके देखता हूँ लाइन चालू है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधे वायर, जैसे कि मैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेम्बल यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं सीधी लाइन लगाता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर पॉजिटिव लगाता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर जो लोड है वो चालू हो चुका है, क्योंकि हमने लाइनों को एकदम सीधा लगाया है। यहाँ पर हमारा इन्वर्टर अभी अच्छे से वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्किंग पॉइंट पे आ चुका है। क्यों ना हम इसे रिवर्स कनेक्शन करके देखें, क्या रिवर्स कनेक्शन से हमारा इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे इन्वर्टर्स ख़राब हो जाते हैं और हम मार्केट के अंदर चेक करवाने के लिए ले जाते हैं और उसके अंदर कुछ गड़बड़स होती हैं, वो रिपेयरिंग हो जाती है और आपसे 200 से 500 रुपये आराम से, बहुत सारा पैसा आपसे लूट लिया जाता है। तो क्या इसकी सच्चाई है? बहुत सारे फॉल्ट में ये फॉल्ट ज़रूर हो सकता है, ये आपको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले मैं आप लोगों को दोबारा से सीधा लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव है, ये देख सकते हैं आप, कलर से ही भी अंदाज़ा लगा दें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पर पूरी लाइनें ऑन हो चुकी है और हमारा इन्वर्टर्स भी चालू हो चुका है, जैसे कि लाइक देख सकते हैं कि आप किस तरीके से लाइन चालू हो चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, इधर का इधर ही हम इसे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पे कनेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे इन्वर्टर का जो हाल है वो क्या होने वाला है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी बिल्कुल भी वीडियो को रोका नहीं है, ये देखिए गाइस, बिल्कुल भी यहाँ पर जो इंडिकेशन आ रहा है, यहाँ पर ये इंडिकेशन आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब मैं फिर से इसे सीधा लगा के देखता हूँ सीधे में क्या हमें देखने को मिलेगा। कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्या ये हमारा इन्वर्टर ख़राब हो चुका है? क्या ये हमारा इन्वर्टर बिल्कुल भी डेड हो चुका है? क्या इसके मॉस्फेट उड़ चुके हैं या फिर इसका ट्रांसफॉर्मर जल चुका है या फिर इसकी सर्किट प्लेट ख़राब हो चुकी है? ये देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी नहीं आ रहा और उल्टा लगाने के पे ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सेम्बल आ रहा है, यहाँ पर ये इंडिकेशन आ रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सोलर मोड ऑन यहाँ पर दिखा रहा है और डीसी लोड यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव पॉइंट है और हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा रखा है और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी के ऊपर, और यहाँ पर हमने पॉजिटिव लगा रखा है। तो उल्टा रिवर्स करने से आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है और ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। जैसे कि मैं फिर से इसे सीधा करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव लगाना है ना। यहाँ पर मैंने सीधी लाइनें भी लगा दी, ये देखिए, तो यहाँ पर बिल्कुल भी अभी हमारा इन्वर्टर जो है वो वर्किंग पे नहीं है। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये हम जानना चाहते हैं। तो चलिए इन्वर्टर को चेक करते हैं। ये है हमारा इन्वर्टर, इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से मैंने इन्वर्टर को ओपन किया, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ना तो ट्रांसफॉर्मर खोलना है, ना तो ये ट्रांसफॉर्मर खोलना है, ना तो ये लाइनें खोलनी हैं, ना कोई वायरिंग वगैरह, कुछ भी आपको नहीं हटाना है। आपको सिंपल सा एक चीज़ देख लेनी है, फ्यूजेस। जैसे कि यहाँ पर एक ये रहा फ्यूज़, एक ये रहा फ्यूज़, यहाँ पर दो फ्यूजेस लगाए गए हैं 40 एम्पीयर के। तो इसे बिल्कुल सिंपल है, ये या तो शोल्डिंग भी हो सकते हैं और आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कोई कोई इन्वर्टर में ये शोल्डिंग पाया जाता है, कोई कोई इन्वर्टर में आपको ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सॉरी मैं निकालता हूँ यहाँ से, बिल्कुल आसान है ये चीज़ निकालना। ओके, ये देखिए यहाँ पर आपको हल्का सा ब्रेक दिखा रहा होगा, ब्लैक ब्लैक सा, ये ब्रेक हो चुका है, ये बिल्कुल भी ब्रेक हो चुका है 40 एम्पियर का, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके के यहाँ पर तीन इंस्टॉल होते हैं, 1 2 3, बट हम यहाँ पर लगाते हैं नए। ठीक है, तो मैं तीनों को बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 3 40 40 एम्पियर के 3 फ्यूज़ यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं।
और यहाँ पर मैं न्यू लगा रहा हूँ, जैसे कि 1, 3। क्या हमारा इन्वर्टर रिपेयरिंग हो गया? देखिए मैं वीडियो को बिल्कुल भी नहीं काटूंगा नहीं, इसको मैं इसको पैक करता हूँ, सीधा करता हूँ इसे। अब हम चेक करके देखते हैं इन्वर्टर को। सो आपके सामने वो बल्ब भी मौजूद है, लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से मैं निकालता हूँ इसकी मेन वायरिंग को, जो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब की बार मैं सीधा लगाता हूँ, ठीक है। ये पॉजिटिव के अंदर जुड़ गया, सॉरी नेगेटिव के अंदर, और ये पॉजिटिव। जैसे ही टच करूँगा देखिएगा, ये देखिए गाइस, हमारा इन्वर्टर फिर से चालू हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी सिंबल यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन शो नहीं कर रहा है गलत वाला कि आपका इन्वर्टर ख़राब हो गया है या वो हो गया है, ठीक है। आपका इन्वर्टर फिर से ऑन हो चुका है। जैसे कि मैं वापस से आपको चेक करके दिखाता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, यहाँ पर ऑन हो चुके हैं हमारे बल्ब। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये समझाते हैं। सो गाइस, जब आप रिवर्स कनेक्शन करते हो, यानी कि गलती से उल्टा कनेक्शन करते हो, तो सबसे पहले तो फ्यूज़ ही उड़ते हैं। अगर यहाँ पर फ्यूज़ वगैरह नहीं लगाए होते हैं तो आपकी सर्किट प्लेट या ट्रांसफॉर्मर में नुकसान हो सकता है, आपकी बैटरी भी ब्लास्ट हो सकती है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है। ये जो मॉस्फेट होते हैं ये माइनस कट होते हैं, यानी कि नेगेटिव कट होते हैं। हम इनको उल्टा दे देते हैं तो ये डायरेक्टली, ये इनको बिल्कुल भी स्विचिंग नहीं होता, ये डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर के अंदर लाइन चली जाती है, यानी कि इनपुट डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर के अंदर चला जाता है। और ट्रांसफॉर्मर की जो दो लाइनें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों क्या है, डायरेक्टली शॉर्ट हो जाती है अंदर से, क्योंकि ये डायरेक्टली शॉर्ट हुई होती है 12 वोल्ट के अंदर। तो ये शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है, इसे पता चलता है, यानी कि इन्वर्टर को पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट है। ये किट का बिल्कुल भी कमाल नहीं होता, ये किट बिल्कुल भी काम नहीं करता है इस समय, ये डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर के अंदर शॉर्ट होता है। यानी कि ये जो दो लाइनें हैं इस पर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि ये जो नेगेटिव जा रहा है ये बेसिकली मॉस्फेट के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आने की वजह से अंदर क्या है, मॉस्फेट के अंदर डायरेक्टली इन हो जाता है इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ओके। तो इस तरीके से, और ये जो पॉजिटिव कनेक्शन आप देख रहे हैं इसके जगह नेगेटिव हो जाता है, तो ये नेगेटिव को पास कर देता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को पास कर देता है इस तरीके से। ये पॉजिटिव लाइन है और ये नेगेटिव लाइन है, यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके से वर्क करता है, ये साइन वेव है, ओके। ये किट के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि किट के अंदर डायोड्स वगैरह लगाए होते हैं जो रिवर्स कनेक्शन को रोक देते हैं, तो इसलिए ये 40 एम्पीयर के फ्यूज़ जो हैं यही उड़ते हैं, और कुछ भी मिस्टेक्स इसके अंदर नहीं होती है अगर आपने इस तरह की गलती कर देते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फ्यूजेस वगैरह चेक कर लीजिए, नया फ्यूज़ लगा दीजिए और इन्वर्टर आपका ओके कंडीशन में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आ गई है, और वीडियो पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए।